हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पोहा की रेसिपी, जो कि हर किसी को पसंद होता है और नाश्ते में बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं बना कर लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं चूड़ा लूँगी, जितना आपको बनाना हो उस क्वान्टिटी में आप चूड़ा लें। और मैं यहाँ 1 से 1.5 कप करीब चूड़ा ली हूँ और उसे उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, जितना पानी डालना है उतना पानी डालना है जितना में वो डूब जाए चूड़ा। और उसे मैं हटा लूँगी, यानी कि एक बार मैं उसे पानी में धो लूँगी। और किसी भी चीज़ में आप उसे अच्छी तरीके से फैला दें उसका पानी निचोड़ करके। और अब मैं चढ़ाती हूँ कढ़ाई। तो पैन चढ़ाने के बाद इसमें मैं डालूँगी सरसों ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, या फिर अपने घर में जो भी तेल आप यूज करते हो उसमें भी बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच जीरा। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच लगभग तेल डाली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पोहा नहीं बना रही हूँ, बस इसलिए मैं थोड़ा सा ही तेल डाली हूँ। आप अपने अनुसार तेल डालें जितना पोहा बनाना हो उसके अनुसार। और ये मैं जीरा डाल दी हूँ। जीरा चटक जाने के बाद इसमें मैं डालूँगी तो सरसों आप चाहे तो काला भी ले सकते हैं या फिर पीला भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पीला सरसों यूज की हूँ, आपके पास अगर काला हो तो आप काला ही यूज करें। और ये दोनों जब चटक जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी 10 से 12 मूँगफली डाली हूँ। मैं मूँगफली भी मैं अपने अनुसार डाली हूँ, अगर आप ज़्यादा चूड़ा का बना रहे हैं तो आप ज़्यादा मूँगफली डालें। और जब ये मूँगफली पक जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी करी पत्ता। तो मैं 2 करी पत्ता यहाँ डाली हूँ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाली हूँ। और अब मैं डालूँगी 1 प्याज बारीक कटी हुई। तो मेरा मूँगफली पक चुका है अच्छी तरीके से, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज। और फ्लेम को मीडियम कर दी हूँ मैं, आप फ्लेम मीडियम ही रहने दें, हाई ना करें। तो देख सकते हैं मैं इसमें सारा प्याज डाल दी हूँ और प्याज को मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी। जब प्याज पक जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून, ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालना है, बस हल्का कलर के लिए। और 1/4 स्पून मैं गरम मसाला यूज की हूँ। यहाँ आप गरम मसाला की जगह जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और 1 बॉयल किया हुआ आलू डाली हूँ कट करके, और थोड़ी सी नमक डाली हूँ 1/4 स्पून। और इन सभी को मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर, ताकि मैं आलू जो डाली हूँ वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और अब मैं इसके बाद डालूँगी चूड़ा, भिगोया हुआ चूड़ा, इसका जो पानी था जितना भी वो अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद यहाँ मैं मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पकाऊंगी। और इसके ऊपर से अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था तो मैं यहाँ स्किप की हूँ। तो ये रेसिपी मेरे बनकर तैयार हो चुकी है। मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताया करें। और इसमें आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं 2 से 3 मिनट चलाते हुए मैं पका ली हूँ इसे, और ये रेसिपी मेरे बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे किसी भी चीज़ में निकाल लेती हूँ और इसे मैं सर्व कर सकती हूँ। लाइट की वजह से इसका कलर जो है वो अभी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है। तो देख सकते हैं मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आप ऊपर से भी नींबू निचोड़ सकते हैं। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि मैं आप सबके लिए क्या लाऊँ अगली वीडियो में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो पर भी बने रहिएगा। धन्यवाद।